करनाल के मदनलाल ढींगरा चौक पर प्रतिमा हटाए जाने के मामले में शहर के विभिन्न सामाजिक एवं मौजिक लोग आगे आने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते आज स्वतंत्रता दिवस पर ढींगरा चौक पर हवन यज्ञ करवाया गया। इस दौरान शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा दोबारा से सेक्टर 12 में लगाए जाने की बात भी कही गई। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह राठौर अपने समर्थकों के साथ चौक पर पहुंचे। शहीद मदनलाल ढींगरा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, साथ ही उनके द्वारा देश की आजादी के लिए शहीदों व क्रांतिकारियों द्वारा किए गए योगदान को याद भी किया गया। वीरेंद्र राठौर ने कहा कि करनाल में शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा उखाड़कर शहीदों का अपमान करने का काम किया गया है। उसी के मद्देनजर शहीद मदनलाल ढींगरा को सम्मान देने के उद्देश्य से एकत्रित होकर यहां पर तिरंगा लगाया गया। उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा को दोबारा से सेक्टर 12 चौक पर लगाया जाए। इस अवसर पर काफी संख्या में सामाजिक व मौजिक लोग भी मौजूद रहे। हाँ जी, क्या कार्यक्रम रहा आज यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सारे देश और प्रदेश को आपके चैनल के माध्यम से हम देने का काम करते हैं। आज 15 अगस्त की पावन बेला पर जहाँ पूरा देश स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है, मेरे साथी तमाम साथी आज यहाँ एकत्रित हुए इस स्थल पर जहाँ देश के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद मदनलाल ढींगरा जी की मूर्ति को मौजूदा सरकार के द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया गया था और मूर्ति को उखाड़ करके बस स्टैंड पर शिफ्ट किया गया। और आज हम स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए मदनलाल ढींगरा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भारत माता का ध्वज और ध्वजारोहण हमने इस पार्क में विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, ताकि जो मान सम्मान ठेस उनका पहुंचा है उस गौरव को किसी प्रकार से पूरा करने का प्रयास किया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।